नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि मोबाइल में फोल्डर कैसे लगाते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या है, मोबाइल को खोल लेना है। खोलने के बाद कोई भी फोल्डर लगाना है, खोलने के बाद क्या करना है, ये जो ग्लू लगा रहता है ना साइडों में, पुराने ग्लू, उसको अच्छे तरह से साफ़ कर लेना है। इधर से भी, नीचे से भी, अंदर से साफ़ कर लेना है और ऊपर से भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद क्या है, ये वाला ग्लू लगाना है। और ग्लू लगाते समय क्या करना है, ये देखना है, इस गम को लगाते समय इसको देखना है कि कहीं ये इस बॉडी पे तो नहीं आ रहा है। ये जो बारीक, ये जो, ये देखो, मैं अगर नजदीक से दिखाऊं तो जूम करके, एक मिनट, तो ये देखो, ये जो है ना, ये बिल्कुल, ये प्रॉपर क्या है, एकदम ऊपर ही होना चाहिए। ये क्या है, इसमें नहीं आना चाहिए। जैसे मैं ये देखो, ये क्या है, ये ग्लू है। तो ग्लू को इसमें नहीं लगाना, इस बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा नहीं लगाना, एकदम थोड़ा थोड़ा लगाना है और प्रॉपर लगाना है। उससे क्या होगा, अगर हम प्रॉपर लगाएंगे तो हमारा स्क्रीन क्या है, मतलब ख़राब नहीं होगा। जैसे कितने लोगों को लगाते ही समय स्क्रीन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस बात को क्या है, ध्यान रखना है कि ग्लू ही अगर सोचेंगे हम ज़्यादा लगा देंगे तो ज़्यादा लाइफ इसका बढ़ जाएगा, तो वैसा कुछ होता नहीं है, लाइफ नहीं बढ़ता है, समझ गए। उसमें क्या होगा, या जैसे ये डिस्प्ले है, कहीं कहीं क्या है, ज़्यादा लाइट आने लगता है डिस में, ये क्या है, डिस्प्ले में क्या हो जाता है, स्क्रीन में ब्लैक या वाइट वाइट क्या है, डब्बे दिखाई देने लगते हैं कहीं कहीं। तो ये इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, ये ग्लू लगाने के बाद 5 मिनट कम से कम सूखने के लिए रख देना है। जैसे ग्लू लगा लिया प्रॉपर, और उसके बाद 5 मिनट के बाद क्या है, डिस्प्ले लगा लेना है। तो और उसके बाद ये देखो, मैं डिस्प्ले लगाता हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, ये मैं ग्लू ही साफ होकर के रखा था 5 मिनट से, अब ये लगा लिया। अगर ग्लू ही साफ करोगे तो ये देखो, इसका जो ये बाउंड्री है ना, ये बिल्कुल बढ़िया से बैठ जाता है। और ग्लू अगर ऊपर आएगा, नीचे आएगा, सही से साफ नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सही से बैठता नहीं, ये जो कॉर्नर होता नहीं, अगर मैं जूम कराऊँ एक मिनट, तो देखो, ये देखो इसका क्या है, प्रॉपर बिल्कुल बैठ गया है, चारों तरफ से प्रॉपर बैठ गया, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगला बड़ा होगा, देखो बिल्कुल प्रॉपर ही बैठा है, और कितने बैठना नहीं है। क्यों नहीं बैठता है, अगर पुराने जो ग्लू होता है अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो नहीं बैठता है। उसके बाद क्या करना है, अपनी बैटरी और डालकर इसको क्या है, पैक कर देना है। और पैक करने के बाद लबड़ वो लगा कर इसको 10 मिनट रख दो अलग सूखने के लिए, और 10 मिनट के 10 से 15 मिनट या आधे घंटे सूखने के लिए रख दो। उसके बाद क्या है, मोबाइल ऑन करना है। उससे क्या है, ग्लू जो होता है ना, अगर बाई चांस हमारे पत्ते पे भी अगर ग्लू चला जाता है, यहाँ पर पत्ता होता है, अगर यहाँ पर चला जाता है तो वो क्या करेगा, मतलब ये अगर पत्ते पे ग्लू चला गया तो हमारे फ़ोन ऑन नहीं होता है जल्दी, मतलब एक ही दिन में ख़राब हो जाता है, कस्टमर मतलब बहुत सी दिक्कत आता है। तो अगर 10 मिनट 15 मिनट सूख जाएगा, उसके बाद ऑन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा फ़ोन में, ठीक है। तो ये बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है डिस्प्ले लगाते समय।